हेलो नमस्ते सत्या फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग दिस इज़ बाली पवन टॉक्स फ्रेंड्स आज का वीडियो जो बनाने का पर्पस है वो मेरा एक ख़ुद का फ्रेंड है जिसकी एक ज़रूरत थी जानने की कि वो क्यों नहीं ब्रीड कर पा रहा है तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं बात करने वाला हूँ कि क्यों माय फ्रेंड और योर फ्रेंड और यू आर नॉट एबल टू यू नो ब्रीड यूजिंग योर फीमेल फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं मेल की वट यू मीन बाई अ प्रॉपर स्टड मेल देखो जब आप एक स्टड मेल की बात करते हैं वो एक अच्छे लाइन से बिलोंग करना चाहिए मीन्स योर स्टड इज़ वट विच प्रोड्यूस एवरी टाइम यू मेट एनी फीमेल विद दैट डॉग एवरी टाइम दैट्स द थिंग और वो स्टड ज़रूरी नहीं है कि वो शो के अंदर में विन कर रहा हो क्योंकि मैं नहीं मानता कि जो विन करते हैं वो ब्रीड नहीं करते और जो ब्रीड करते हैं वो विन नहीं करते जरूरी नहीं है कि दोनों ज़रूरी हों ऐसे होते हैं डॉग जो ब्रीड करते हैं और विन भी करते हैं और ऐसी फीम फीमेल्स भी हैं जो विन नहीं करती हैं या वो उनको शो नहीं करवाते हैं लेकिन वो ब्रीड ऐसा करती है कि जो विन करते हैं अब जब फीमेल्स और मेल्स की हम बात करेंगे सबसे पहले मेल की बात करते हैं तो आपका जो स्टड होता है वो एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए जिसका ब्लड प्रूवन है जो खुद एक प्रूवन स्टड है जिसकी हर बार कंसिस्टेंसी रही है हर बार उसके जो है फीमेल्स में जो है वो बच्चे डालता है और उसके बच्चे हमेशा विन करते हैं या वो अच्छे ब्रीड करते हैं या वो एक अच्छे स्टैंडर्ड को रिप्रजेंट करते हैं राइट अब ऐसे में ये आपका मेल के लिए स्टैंडर्ड हो गया आप सब कुछ चेक करते हैं एक अच्छे स्टडी के अंदर में उसका आई कलर उसका कोट कलर उसका वीदर उसकी बैक उसका क्रूप उसकी मूवमेंट जिसको हम ट्रोटिंग बोलते हैं वो और वो कैसा प्रोड्यूस करता है उसका टेम्परामेंट कैसा है उसकी ब्लड लाइन कैसी है ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एक मेल के लिए तो जब आप मेल एज अ स्टडी यूज़ करते हैं चाहे आप इंपोर्ट करते हैं या आपका ब्रेड इन इंडिया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार विन करता है या इंपोर्ट को जरूरी नहीं है कि आप लोग शो में लेके खड़े हों जरूरी नहीं है कि एक इंपोर्ट रिंग में भी खड़ा हो एक इंपोर्ट ब्रीड करने के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है क्योंकि उसके कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो वो फीमेल्स में डाल देगा अब मेरा फ्रेंड क्यों नहीं कर पा रहा वाई माई फ्रेंड इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस विद डैट फीमेल द रीज़न एक्चुअली इज़ द ब्लड अगैन होता ये है देखो अब पहले उसकी आप कहानी सुनिए मेरा फ्रेंड एक फ़ीमेल पपी लेके आता है छोटी सी आई थिंक दो एक महीने की उसको वो तैयार करता है आपको सबको पता है जब भी पहली हीट आती है तो उसे लोग मिस करते हैं उसने फीमेल का एट्थ और नाइन्थ मंथ में जो हीट आया उसको उसने मिस कर दिया सभी लोग ऐसे करते हैं आपने सुना भी होगा उसके लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहता है अब जब उसका नेक्स्ट हीट साइकिल आया तो उसने प्लान कर लिया बिकॉज़ वो फीमेल एक अच्छे ब्लड से है ठीक है एक अच्छे ब्रीडर के घर से एक अच्छे ब्रीडर के यहाँ से आई थी तो उसने उस फीमेल को लेके प्लान किया मीट करने को लेके ब्रीड करने को लेके उसने एक इंपोर्ट डॉग के लिए बुकिंग कर ली और वो दिल्ली में गया और दिल्ली में आ, उसने जो है मीटिंग के लिए फिक्स कर लिया अब आपको पता है जब आप इतना पैसा खर्च करते हैं इंपोर्ट डॉग से मीटिंग के लिए तो आप कुछ ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं कुछ स्लाइड बनवा लेते हैं तो जो आपको मालूम होगा एक प्रोजेस्ट्रोन टेस्ट होता है तो उसने वो टेस्ट करवाया जिससे और अच्छी श्योरिटी हो जाती है कि कंसीव होगी ही होगी फ़ीमेल तो उसने वो लेवल चेक करवाया जब उसने अच्छे एक जगह से प्रोजिस्ट्रॉन्ट करवाया तो वो रेडी हो गया मीटिंग के लिए वो फीमेल लेके चला गया उसने वहाँ पर मीटिंग ले ली मीटिंग के लिए उसने एक दिन गौर लगाया वहाँ पे फिर उसने मीटिंग ले लिया वो घर वापस आ गया इस उम्मीद में कि उसके घर में अच्छे इम्पोर्ट डॉग्स के बच्चे होंगे चलो मैंने भी ऐसा ही उम्मीद की लेकिन क्या उस फीमेल ने प्रोड्यूस किया नहीं किया क्यों नहीं किया अभी डिस्कस करते हैं उस चीज़ को लेकर अब उस फीमेल के फर्स्ट मिसिंग के बाद मेरी उससे जब डिस्कशन हुई तो मैंने उससे बोला कि ब्रदर आप इसको अभी मेट मत कीजिए क्योंकि आपने जब एक इम्पोर्ट डॉग से आप ले लेते हैं मेटिंग तो दोबारा आपको शायद नहीं मिलती तो मिलेगी तो आपको जो है बार बार मेटिंग नहीं मिलेगी तो आप दूसरी बार अगर मेटिंग ले पा रहे हैं तो उसको मिस मत कीजिए तो मैंने बोला कि आप इसको एक लोकल अच्छे प्रोड्यूसिंग डॉग से करवा लो ज़रूरी नहीं है कहीं ज़्यादा दूर जाना आसपास देख लो ठीक है जो अफोर्डेबल है और आप एक पपी पे सेटिंग कर सकते हैं कि आप एक ब्रीडिंग कर लें और पपी होने पर आप दे देंगे ठीक है तो नुकसान किसी का भी नहीं है तो उसने ऐसा उसे शायद मेरा सजेशन पसंद नहीं आया और उसने दूसरी बार मीटिंग के लिए उस ऑनर को बोला कि आई वॉन्ट टू टेक द सेकेंड एक्चुअली चांस एंड आई वॉन्ट टू यूज़ योर मेल अगैन एंड बिकॉज माई फीमेल वॉज़ यू नो नॉट फाइन फर्स्ट टाइम तो अभी हीट में है मुझे मेट करवाना है उसने फिर से प्रोसेस फॉलो किया उसने सेकेंड टाइम मीटिंग ले ली अब उसने सोचा कि पहली बार ना सही अब तो बिल्कुल वो हीट में थी और वो प्रॉपर कंसीव जाएगी सब कुछ प्रॉपर था क्या अब उसने दूसरी बार हीट उसने दूसरी बार बच्चे कंसीव हुई वो नहीं वो दूसरी बार भी कंसीव नहीं हुई अब इसका कारण क्या था अब मेरी जब इस डिस्कशन हो रही थी इस टॉपिक पर तो मैंने उसे बोला कि ब्रदर आई नीड टू नो अबाउट द बैकग्राउंड पहले मुझे बताओ सीमेल की मदर के बारे में बताओ

अब क्या हुआ उसने बताया कि जो फीमेल थी ना जो इसकी मदर थी मैंने कहा हाँ बताइए कहता है कि उसका जो ये बच्चे लिटर हुए थे ना जिसमें से मैंने ये बच्चा लिया है ये दो ढाई साल में हुआ था ओके पहला कारण फ़ीमेल खुद एक ऐसी कैटेगरी से बिलोंग कर रही थी जिसका जो है हर बार प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था तो क्या ये कारण हो सकता है बिल्कुल यही कारण है मेरे फ्रेंड्स तो मैंने कहा चलो ठीक है आगे मैंने कहा ओके अब आपने जब बच्चा ले लिया तो इसके बारे में कुछ और बताओ तो कहता मैंने कहा इसकी उस तो उसने बताया कि इसकी एक फ़ीमेल की सिस्टर है ओके तो उसके बारे में बताओ तो सिस्टर जो है मैंने कहा उसके बारे में क्या कहते हैं उसका एक बार बच्चे हुए हैं ठीक है ठीके? और वो मैंने कहा एक बार अभी तक यानी कि आपकी जो फीमेल अब तक तीन बार हीट में आ चुकी है जिसमें से दो बार वो मिस कर चुकी है तीन से चार बार हीट में आ चुकी है दो बार मिस कर चुकी है तो और वो उसके अब तक एक बार हुआ कहता हाँ यानी कि उसकी जो सिस्टर है उससे भी सिर्फ एक बार ब्रीड किया आपको समझ में आ रहा होगा अब चीज़ें क्या हैं अब आप आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो पॉइंट ये है कंक्लूजन ये है जब आप एक मेल डॉग देखते हैं जो एक अच्छी कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसमें सब कुछ फीचर्स हैं और वो प्रोड्यूस कर पाता है क्योंकि वो एक ऐसे ब्लड से रिलेटेड है लेकिन जब आप उस डॉग को एक अनजान फीमेल से मेट करते हैं नो डाउट आपके पास पेपर है लेकिन वो प्रूवन नहीं थी प्रूवन के कई मायने हैं प्रूवन मतलब बच्चे देना प्रूवन मतलब हर बार बच्चे देना ठीक है तो अगर ऐसे कॉम्बिनेशन होगा तो क्या वो कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा होगा सारे बच्चे तो नहीं होने वाले ब्रदर एक दो बच्चे हो जाएंगे पर सारे नहीं होने वाले तो यही हुआ मेरे फ्रेंड के मामले में अब आपके लिए यही कंक्लूजन है कि जब आप ब्रीड करना चाहते हैं आप एक अच्छा ब्लड लेके आते हैं आप पचास साठ हज़ार रुपये खर्च करके पपी ले, ले लेते हैं या आप और अच्छा इंपोर्ट ले लेते हैं या इंपोर्ट का बच्चा ले लेते हैं तब आप उम्मीद तो करेंगे कहीं ना कहीं कि उससे ब्रीड कर पाएँ या उससे कुछ पैसा कमा लें और प्रोफेशनल होने में कोई नुकसान नहीं है ठीक है आपके शौक भी पूरा होता है और आपका आपके कुछ आ, सर्कल भी बन जाता है पैसा तो मुझे लगता नहीं इसमें ज़्यादा आता है अब राय यही है मेरी कि जब आप इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक इट श्योर दैट द सन द डॉटर बिलोंग्स टू सच फादर और मदर और सच यू नो ब्लड lines विच आर strong विच आर proven क्योंकि जब आप पर्पस आप ये चाहते हैं कि उससे ब्रीड करें तो वो एक ऐसे ब्लड से बिलोंग जरूर करें तभी ये चीज़ हो पाएगी ठीक है नाउ एम क्लोजिंग माय वीडियो माय मेन पॉइंट इज़ रिलेटेड टू अ फीमेल जो ब्रीड नहीं कर पाए इसका कारण क्या है मैंने आपको बताया आगे वीडियो बनाते रहेंगे मिलते रहेंगे तब तक के लिए स्टे ट्यू थैंक यू हैव अ गुड टाइम बाय